गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टू लेक्चर ऑफ डिस्टिलेशन फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे डिस्टिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की लाइक like फ्लडिंग वीपिंग एंटरटेनमेंट एंड फोमिंग ये क्या होता है और इसका डिस्टिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग टू डेज लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो so फ्रेंड्स मेरा जो भी लेक्चर है इसके पी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूंगा सो so जिसको भी ये डाउनलोड करना है ये वहाँ पर जाके ईजिली उसको डाउनलोड कर सकता है सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विथ टू लेक्चर ऑफ डिस्टिलेशन सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बैच डिस्टिलेशन का बेसिक सेटअप क्या रहता है सो so फ्रेंड्स अगर आप बेसिक सेटअप में देखेंगे तो नीचे एक आपका रिबॉलर दिया हुआ रहता है जिसमें स्टीम इन है और कंडेंसेट आउट है आफ्टर दैट ये कॉलम हो गया इस कॉलम के अंदर पैकिंग्स प्रेजेंट रहती है कॉलम का एक पर्टिकुलर हाइट और डायर रहता है वो डिज़ाइन होता है डिपेंडिंग अपॉन आपको उसमें क्या मटेरियल सेपरेट आउट करना है आफ्टर दैट ये देखिए ये ऊपर से एक वेपर लाइन गई ये वेपर लाइन जाके यहाँ पे कंडेंसर में जा रही है आफ्टर दैट यहाँ पे एक रिफ्लक्स ड्रम है रिफ्लक्स ड्रम कई बार होता है फ्रेंड्स कई बार नहीं भी होता है आफ्टर दैट यहाँ से जो डिस्लेशन टावर में मटेरियल बैक आया मीन्स जितना भी आपने वेपर टॉप पे लिया है जितना भी वेपर कंडेंस हुआ है कंडेंसर से उसमें से जो आपने टावर में बैक किया है दैट इज़ रिफ्लक्स और जो आपने करेक्शन निकाला है दैट इज़ बेसिकली डिस्टिलेट फ्रेंड्स ये बेसिक सेटअप मैंने आपको बेसिकली इसलिए बताया क्योंकि आगे के जो भी टर्म्स हैं वो टर्म समझने के लिए आपको बेसिकली ये सेटअप समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जैसा कि ये जो रिबॉलर है इसके अंदर आप नीचे अपना फ्रूट जो भी मटेरियल आपको डिस्टिल करना है वो आप इसमें फीट करते हैं आफ्टर दैट ये ऊपर टावर है टावर में डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कई बार ट्रे टाइप पैकिंग्स होती हैं कई बार आपका स्ट्रक्चर पैकिंग होती है कई बार रैंडम पैकिंग्स होती हैं बट फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे बेसिकली लिक्विड होता है जब आप इस लिक्विड को हीट करते हैं तो इस जोन में बेसिकली एक वेपर और लिक्विड का मिक्सचर फॉर्म होता है नीचे लिक्विड है लिक्विड को आप हीट कर रहे हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रेंड्स वेपर्स यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ये जो रिफ्लक्स लाइन है यहाँ से बेसिकली लिक्विड डिस्टिलेशन टावर के अंदर बैक हो रहा है फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा यहाँ से आपके वेपर सुपर की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ से ये जो रिफ्लक्स लाइन है यहाँ से आपका जो लिक्विड है वो टावर से नीचे की तरफ आ रहा है सो so फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जिसलेषण टावर के अंदर वो जोन क्रिएट होता है जहाँ पे आपका जो वेपर है जो वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है और जो लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ पर ये वेपर्स और लिक्विड ये दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं सो so फ्रेंड्स ये जितने भी टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं लाइक वीपिंग फ्लडिंग फोमिंग ये सारे के सारे टर्म्स बेसिकली ये वेपर और लिक्विड इनके कॉन्टैक्ट से ही रिलेटेड हैं इसीलिए मैंने आपको इस पॉइंट पे ये क्लियर कर दिया है कि ये किस रीज़न में होता है और उसके रीजनस क्या क्या हैं वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊँगा सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं फ्लडिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्लडिंग होता क्या है फ्रेंड्स अगर एक्सेसिव लिक्विड बिल्डअप इन साइड द कॉलम रीड्स टू कॉलम फ्लडिंग अगर हमारे डिस्टिलेशन टावर के अंदर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लिक्विड होल्डअप हो जाता है तो इन दैट केस हमारी फ्लडिंग होती है उस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं फ्लडिंग अब फ्रेंड्स जो नेचर होता है फ्लडिंग का ये इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कॉलम ऑपरेटिंग प्रेशर एंड लिक्विड टू वेपर फ्लो ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपके टावर में फ्लडिंग किस लेवल पे है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके कॉलम का ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है और लिक्विड टू वेपर का फ्लो रेशियो कितना है हाई ट्रे प्रेशर ड्रॉप अगर जो ट्रेज आपके डिस्लेशन टावर में लगी हुई हैं उस ट्रे में के अक्रॉस अगर प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू तो एक्सेसिव वेपर फ्लो रेट्स होल्ड अप इन द लिक्विड इन द डाउन कमर एक्सेसिव लिक्विड फ्लोरेट्स की वजह से तो फ्रेंड्स होगा क्या कि जो आपका लिक्विड है वो होल्ड अप होने लगेगा फ्लोरेट्स होल्ड अप द लिक्विड इन द डाउन कमर्स इंक्रीज द लिक्विड लेवल ऑन द प्लेट्स एंड लीड्स टू डाउन कमर फ्लडिंग सचुएशंस सो फ्रेंड्स याद रखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड और वेपर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर वेपर्स की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो वेपर्स क्या करेंगे वो आपको लिक्विड को नीचे की तरफ आने ही नहीं देंगे जिसकी वजह से जैसा आप इस डायग्राम में देखिए ये देखिए फ्रेंड्स ये ये लिक्विड का एक लेवल एक पर्टिकुलर ट्रे के ऊपर बिल्डअप होने लग गया है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर हाई प्रेशर ड्रॉप्स है अक्रॉस द ट्रेज और पैकिंग्स ड्यू टू एक्सेसिव वेपर फ्लो रेट्स एक्सेसिव वेपर फ्लो रेट्स की वजह से इन दैट केस जो आपका लिक्विड है वो होल्डअप होने लग जाएगा ट्रेस के ऊपर और जिसकी वजह से आपका लिक्विड का लेवल है वो प्लेट के ऊपर इंक्रीज करेगा एंड दैट विल लीड टू फ्लडिंग सेचुएसन द कॉलम फ्लडिंग कंडीशन सेटअप अपर लिमिट ऑफ वेपर वालासिटी फॉर स्टडी स्टेट ऑपरेशन सो फ्रेंड्स फ्लडिंग की कंडीशन के ऊपर बेसिकली हम जो वेपर की वालासिटी है वो डिफाइन करते हैं ताकि हमारे टावर में कभी भी फ्लडिंग ना हो फ्रेंड्स ये देखिए लिक्विड कैन नॉट गेट डाउन द कॉलम एज द एज हाई वेलोसिटी हाई वेपर वेलोसिटी फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये फ्लडिंग की सिचुएशन बेसिकली इस डायग्राम में दिखाई गई है सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड सेकेंड इज फ्रेंड्स वीपिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम सो फ्रेंड्स वीपिंग जस्ट जो मैंने आपको पहले फ्लडिंग बताया उसका थोड़ा सा रिवर्स होया फ्रेंड्स वीपिंग ऑकर्स एट लो वेपर अब्ली गैस प्रोडक्ट्स वीपिंग फ्रेंड्स तब होता है जब आपका वेपर या फिर गैस फ्लोरेट कम होता है सो so, फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा द द अपवर्ड वेपर थ्रो द प्लेट परफोरेसन प्रिवेंट्स द लिक्विड फ्रॉम लीकिंग थ्रो द ट्रे परफोरेस जो फ्रेंड्स अपवर्ड वाले वेपर्स होते हैं ये क्या करेंगे ये रोकेंगे वेपर फ्लो थ्रो द प्लेट परफोरेसन प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम लीकिंग थ्रो द ट्रेज एट लो वेपर फ्लोरेट जब फ्रेंड्स वेपर का फ्लोरेट कम होगा तो लिक्विड जो होगा इट स्टार्ट टू लीक अब्लिक रेन थ्रू द परफोरेसन कॉल्ड वीपिंग फ्रेंड्स याद रखेगा अगर वेपर वेलोसिटी आपकी डिजाइड नहीं होती है तो उसके एडवर्स इंपैक्ट्स होते हैं पहला इम्पैक्ट मैंने आपको बताया फ्लडिंग सेकेंड है फ्रेंड्स वीपिंग अगर आपकी वेपर की वेलोसिटी इस डायग्राम का बॉर से देखिए अगर आपकी वेपर की वेलॉसिटी कम होगी तो फ्रेंड्स धीरे धीरे जो आपका लिक्विड है ये ट्रेस ऐसे से ऐसे ऐसे बूंद बूंद करके टपकने लगेगा ये देखिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को एक्ट लो वैपर फ्लो लिक्विड स्टार्ट टू लीक अब्लिक रेन थ्रो द परफोरेसन दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज वीपिंग वेन नन ऑफ द लिक्विड रीचेज द डाउन कमर जब कोई भी लिक्विड डाउन कमर तक ना पहुंचे एट एक्सट्रीम वीपिंग कंडीशंस एट वेरी लो वेपर फ्लोरेट इट इज कॉल्ड डंपिंग जब फ्रेंड्स कोई भी आपका जो वेपर लिक्विड वैन नन ऑफ द लिक्विड रीचेज द डाउन कमर जब कोई भी लिक्विड डाउन कमर तक नहीं पहुँचता है एट एक्सट्रीम वीपिंग कंडीशंस जब काफ़ी ज्यादा वीपिंग कंडीशंस होती हैं तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं डंपिंग जो फ्रेंड्स वीपिंग की टेंडेंसी होती है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रैक्शनल होल एरिया एंड लिक्विड फ्लोरेट्स जो वीपिंग की टेंडेंसी होती है ये फ्रेंड्स इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग फ्रैक्शनल होल एरिया और लिक्विड के फ्लोरेट के साथ में सो फ्रेंड्स होप आपको वीपिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये जस्ट आपका एडवर्स होता है आपका फ्लडिंग से मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं एंटेनमेंट इन डिस्टिलेशन कॉलम सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एंटेनमेंट कुछ कुछ आपका फ्लडिंग से रिलेट होता है बट फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एंटेनमेंट एंड फ्लडिंग जो होता है ये बेसिकली आपका डिफरेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स एंटेनमेंट इज़ द फेनोमेना इन यूच लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर कैरीड आउट बाई द वेपर सब्लिक गैस टू द ट्रे एप ये एक फेनोमेना होता है जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स को बेसिकली कैरी कर लेते हैं वेपर या फिर गैसेज अपने साथ में देअर फोर जिसकी वजह से क्या होता है लेस वोलेटाइल लिक्विड कम्पोनेंस फ्रॉम द बॉटम ट्रे आर मिक्सड विद लिक्विड हैविंग रिलेटिवली मोर वोलेटाइल मटीरियल्स ऑन द ओवर हैड ट्रेस जिसकी वजह से हमारा जो लेस वोलेटाइल कम्पोनेट्स है वो मिक्सअप हो जाता है बॉटम ट्रे में विद मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इट कुड ऑल्सो कंटेमनेट हाई प्योक्टिक डिस्पिलेट जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो हाई प्योक्टिक डिस्पिलेट है वो मेरा कंटेमिनेट होने लगता है सो so, फ्रेंड्स जब एक्सेसिव आपका एंटेनमेंट होगा तो दैट इज लीडिंग टू फ्लडिंग सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एंटेनमेंट जब आपका जो वेपर्स है वो लिक्विड को अपने साथ में कैरी ओवर करके ऊपर की तरफ मूव करवाना शुरू कर देते हैं ये कंडीशन होती है मेरी एंटेनमेंट की और जब एंटेनमेंट एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है एक्सेसिव एंटेनमेंट जब होता है तो दैट इज़ लीडिंग टू फ्लडिंग सो फ्रेंड्स होप आपको एंटेनमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स इस डायग्राम को आप गौर से देखिए ये देखिए फ्रेंड्स ये है आपके एंटेनमेंट की कंडीशन जो आपके वेपर्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ये ऊपर से गिरने वाले लिक्विड को अपने साथ में कैरी ओवर करके लेके जा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होती है बेसिकली आपकी एंटेनमेंट की सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड फोमिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम सो फ्रेंड्स फोमिंग जैसा कि आपको पता है झाक बनना सो फ्रेंड्स फोमिंग रेफर्स टू द एक्सपेंसर ऑफ लिक्विड ड्यू टू पैसेज ऑफ वेपर और गैस अगर लिक्विड से वेपर या फिर गैस पास करेगी तो फ्रेंड्स कई बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे फोम जैसा डेवलप हो जाए या झाक जैसा बन जाए इट प्रोवाइड्स हाई इंटरफेसियल लिक्विड वेपर कॉन्टैक्ट इसमें फ्रेंड्स लिक्विड वेपर कॉन्टेक्ट काफी अच्छा रहता है एक्सेसिव फोमिंग लीड्स टू लिक्विड बिल्डअप ऑन द ट्रेस बट फ्रेंड्स जब एक्सेसिव फोमिंग होने लगती है उस केस में भी आपका जो लिक्विड है वो ट्रेस के ऊपर बिल्डअप होने लग जाता है इन सम केसेस फोर्मिंग में ऑल्सो भी बैट दैट फोर्म मिक्सर्स विद लिक्विड ऑन द ट्रेड एब वेदर फोमिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड मिक्सचर्स फोर्मिंग होगा या नहीं ये फ्रेंड्स जो आपका लिक्विड मिक्सचर आप हैंडल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है बट इट इज समाइम्स ड्यू टू ट्रेड डिज़ाइन और कंडीशन बट ये कभी कभी ट्रेड डिजाइन और कंडीशंस की वजह से भी होता है इसका चाहे जो भी रीजन हो फ्रेंड्स आइदर मटेरियल का नेचर हो या फिर आपकी ट्रे की डिज़ाइन हो या फिर आपके ऑपरेटिंग कंडीशन हो बट इसकी वजह से हमेशा याद रखिएगा कि आपकी सेपरेशन एफिशंसी हमेशा रिड्यूस होती है सो so, फ्रेंड्स याद रखेगा फोमिंग बेसिकली आपका जैसे आपने घर में देखा होगा झाग बन जाता है तो ऐसा ही डिफ्लेसन टावर के अंदर झाग जैसा बनने लगता है जब आपका वेपर और लिक्विड जब वेपर आपको आपका लिक्विड के थ्रू पास करता है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके रीजंस कई हैं जैसा कि मैंने पहले बताया बट इसका रीजन चाहे जो भी कुछ हो बट इट ऑलवेज रिड्यूसेज द सेपरेशन एफिशियंसी सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ फ्रेंड्स एक टर्म आपने सुना होगा लोडिंग पॉइंट इन डिस्टिलेशन कॉलम सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि लोडिंग पॉइंट होता क्या है फ्रेंड्स याद रखिएगा इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉलम वेन द गैस velocity इज़ हाई इनफ टू restrict द फ्लो ऑफ लिक्विड ये फ्रेंड डिस्टिलेशन टावर का वो पॉइंट होता है जहाँ पे गैस वेलोसिटी हाई होती है ताकि वो लिक्विड के फ्लो को नीचे की तरफ ना मूव होने दे इस पॉइंट को बेसिकली हम बोलते हैं लोडिंग पॉइंट सेकेंड फ्रेंड आप इस पॉइंट के बाद में जो प्रेशर ड्रॉप है एट मच फास्टर रेट जो प्रेशर ड्रॉप वो मेरा काफ़ी फास्ट रेट से होने लगता है टिल अन पॉइंट नोन एज फ्लडिंग पॉइंट इज रीस्ड सो फ्रेंड्स याद रखिएगा लोडिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से पे मेरा वेपर लिक्विड को अपने साथ में कैरी ओवर करने लगे या फिर उसके फ्लो को रोकने लग जाए एंड फ्लडिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप काफ़ी फास्ट तरीके से आपका चेंज होने लग जाता है वो पॉइंट होता है आपका फ्लडिंग पॉइंट व्हेन द लिक्विड इज कैरीड अवे बाई द गैसेज इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ एंटेनमेंट इन कॉलम्स ये जो पॉइंट होता है फ्रेंड फ्लडिंग पॉइंट यहाँ से बेसिकली आपका जो एंटेनमेंट वाला जोन है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये जोन आपका स्टार्ट हो जाता है सो फ्रेंड्स होप आपको डिस्टिलेशन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं लाइक वीपिंग फ्लडिंग एंटरटेनमेंट ये सारी की सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी सो फ्रेंड्स होप यू हैव इन्जॉय टू डेज लेक्चर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे एज टॉपिक डिस्टिलेशन के बारे में कि एज यू क्या होता है एज यो डिस्टिलेशन क्या होते हैं और उसका हमें नॉलेज होना क्यों जरूरी है सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे